लाइन कांटेक्ट का मतलब है कि जब रोलिंग एलिमेंट रोलर है जी, बॉल की बजाय जी, तो रोलर होने की वजह से उसका जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बनेगा वो पॉइंट नहीं बनेगा बल्कि लाइन बनेगी। दैट मींस के जो कांटेक्ट एरिया है अगर कंपेयर करें आप पॉइंट से, तो उसका ज्यादा या इसका ज्यादा, लाइन का ज्यादा। तो लाइन में लोड कैरिंग कैपेसिटी भी ज्यादा होगी और फ्रिक्शन भी ज्यादा होगी, अप्लाइड फोर्स भी ज्यादा चाहिए। बॉल बेयरिंग में पॉइंट कॉन्टेक्ट होने की वजह से आपको फ्रिक्शन भी कम मिलेगी, अप्लाइड फोर्स भी कम चाहिए और लोड कैरिंग कैपेसिटी भी कम होगी। यही वजह है कि जो मोटरसाइकिल के बेयरिंग हैं वहाँ रोलर बेयरिंग होते हैं या बॉल बेयरिंग? बॉल बेयरिंग। और ट्रक में? रोलर। अब ट्रक में आपको पेशावर से कराची जाना है तो आपका प्राइम ऑब्जेक्टिव क्या है, स्पीड या लोड? लोड लोड के इतने टन वेट लेके जाना है, ना कि इतनी जल्दी जाना है। और मोटरसाइकिल में क्या है, वेट या स्पीड? स्पीड स्पीड और उसकी उसका यूजेज। सो इसलिए ये दो डिफरेंट टाइप्स हैं रोलिंग बेयरिंग में, जहाँ पे पॉइंट और लाइन कांटेक्ट की बुनियाद पे डिफरेंशिएट हो जाती हैं दो डिफरेंट टाइप्स। अब बॉल बेयरिंग की अपनी टाइप्स हैं, रोलर की अपनी टाइप्स हैं। जो एक बेयरिंग को कंप्लीट डिसेंबल कर दिया, ठीक है, इसमें रबर सील है, ठीक है, आउटर रिंग है जिसको आउटर रेस भी कहते हैं, और रोलिंग एलिमेंट्स हैं जिसमें रोलर भी होते हैं बॉल भी होते हैं, और ये केज है जिसके अंदर आपका रोलिंग एलिमेंट जिसने इसको केज किया होता है पकड़ा होता है, ठीक है, और ये इनर रिंग है जिसको इनर रेस भी कहते हैं और रबर सील है। इनर रिंग को कभी इनर रेस नहीं कहते, इनर रिंग इटसेल्फ इनर रिंग है जिसके अंदर एक हिस्सा होता है जिसको इनर रेस वे कहते हैं। हमने टर्मिनोलॉजी सही सीखनी है, और टर्मिनोलॉजी सीखने का सबसे बेहतर तरीका है कि जब भी फैक्ट्री में आप काम कर रहे हो तो वहाँ लिखते हुए बोलते हुए ओरिजिनल वर्ड्स, टेक्निकल वर्ड्स बोले, प्रॉपर वर्ड्स बोले। हम अक्सर कहते हैं इनर रेस, इनर रेस वे हम कहेंगे, इनर रेस वे, इनर रिंग, इनर रेस वे उसके ऊपर उसका पार्ट होता है, आउटर रिंग का पार्ट होता है आउटर रेस वे जिसके ऊपर रोलिंग एलिमेंट ट्रेवल करते हैं। सो रोलिंग एलिमेंट्स बॉल भी हो सकते हैं और रोलर भी हो सकते हैं। केज के मटेरियल डिफरेंट होते हैं जो आगे हम पढ़ते हैं, और सील के डिफरेंट मटेरियल्स हैं जो कि सीलिंग के लिए इस्तेमाल की जाती है, रबर में और मेटालिक में, जो आगे हम इसकी डिटेल देखते हैं। एंड वो जो एंड पे रबर सील है, व्हाट इज द डिफरेंस बेसिकली? सेम है। ये एक एक तरफ की सील है और दूसरी दोनों तरफ की, टू आर एस पिक्चर में ऐसे दिखाया हुआ है, फर्क उसमें नहीं है। तो रबर सील जो है ना, इसको देख लीजिए कि ये रबर सील का मटेरियल जो है, क्योंकि रबर है और मेटालिक में मेटल है, और मेटल में और इसमें जो मेन फर्क आता है वो ये कि मेटल की शील्ड कभी किसी सूरत भी नीचे इनर रिंग के साथ टच नहीं करती। रबर सील में दो ऑप्शन होते हैं, एक कि मेटालिक शील्ड की तरह टच ना करे, गैप हो, और एक टच कर जाए और फ्रिक्शन के साथ चले। अब फ्रिक्शन में, जब फ्रिक्शन पैदा होगी तो फ्रिक्शन की कुछ उन्होंने रेंज बना दी, जैसे कि हम लिखते हैं 2RS, बिल्कुल 2RS1 लिखते हैं हम, तो 2 मींस दोनों तरफ, R मींस रबर, S मींस सील, 1 मींस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, कितना कांटेक्ट बनाना है रबर सील ने इनर रिंग के साथ ताकि ग्रीस बाहर ना आए और पार्टिकल अंदर ना जाए। अब RS1 के बाद है RZ और जो डबल जेड है मेटालिक शील्ड, उसमें कोई फर्क नहीं है, सेम है, वो कांटेक्ट नहीं बनाती। और RS1 से कांटेक्ट शुरू होता है, RSL आता है लो कांटेक्ट, यानी 1 इवन लोअर देन लो, फिर L लो, फिर उसके बाद आता है RSH हाई कांटेक्ट। तो हाई में आप जेट से पानी मारे अंदर नहीं जाएगा, ग्रीस मेल्ट होके बाहर नहीं आएगी। तो OEM डिसाइड करता है मुझे किस एप्लीकेशन में कौन सा सीलिंग लेवल जो है वो चाहिए, मटेरियल और सीलिंग इंटेंसिटी, तो वो डिसाइड करते हैं, उसको हमें फॉलो करना है। हम ये नहीं कर सकते RSH की जगह RS1 यूज़ करें, लाइफ नहीं मिलेगी, अच्छी लाइफ नहीं मिलेगी, बेयरिंग की लाइफ कॉम्प्रोमाइज हो जाएगी। तो इसलिए सीलिंग और उसका जो कॉन्टैक्ट वो है एरिया या उसका लिमिट, वो हमें इसमें देखना होता है। केज क्या करता है? रोलिंग एलिमेंट को उसने होल्ड किया होता है, रोलिंग एलिमेंट्स को होल्ड किया होता है, प्रोवाइड रोलिंग एलिमेंट सेपरेशन एंड गाइडेंस, आल्सो कॉल्ड सेपरेटर और रिटेनर।
सेपरेटर और रिटेनर के तौर पे भी काम करता है। बिल्कुल। कैसे, कोई एग्जांपल दें। सेपरेटर तो ऐसे हो गया कि इसने जो आउटर वेज है जो उसको और जो इनर वेज है उसके दरमियान एक केज होती है जिसने इनको सेपरेट करके रखा होता है। अगर ये ना हो तो ये उसके साथ फिर डायरेक्ट कॉन्टेक्ट हो जाएंगे। देखिए बॉल्स का हाँ कॉन्टेक्ट हो जाए तो वो तो फ्रिक्शन जी कर देगा। जी ठीक है, बॉल्स को सेपरेट सेपरेट एक डिस्टेंस पे मूवमेंट में हेल्प करता है ये। उसने एंगुलर मूव तो करता है लेकिन इसको पता नहीं ट्रांसलेशनल मूव या उस तरह तो नहीं कर सकता। अच्छा मैं इसको आसान बना देता हूँ। ये जो केज है ये रिटेनर के तौर पे इस्तेमाल होता है, इसका मतलब कि ये रोलिंग एलिमेंट्स को रिटेन करके रखता है। तो इसी रिटेन करने की एबिलिटी को आप कह रहे हैं सेपरेशन भी शायद, कि उनको एक दूसरे से सेपरेट करके रखता है, ये बिल्ट इन है उसके अंदर। सेपरेट सेपरेटर के तौर पे जो इस्तेमाल होता है वो होता है सिलेंड्रिकल रोलर बेयरिंग में, जहां इनर रिंग बाहर निकल आता है, रोलिंग एलिमेंट केज असेंबली आउटर के साथ है, या अपोजिट भी होता है कि इनर रिंग के साथ केज असेंबली है रोलिंग एलिमेंट्स और आउटर रिंग सेपरेट होगी। बिल्कुल। तो ऐसे सूरत में बेयरिंग को सेपरेबल बनाने के लिए उसका केज एक रिंग के साथ रोलिंग एलिमेंट्स को रिटेन करते हुए सेपरेट हो जाता है और विद इन द केज भी अपने रोलिंग एलिमेंट्स को सेपरेट करके रखता है। तो ये दो डिफरेंट सेपरेशन की डेफिनेशन है। वाइड रेंज ऑफ मटेरियल बेस्ड ऑन एप्लीकेशन, इसमें मटेरियल्स काफी इस्तेमाल होते हैं, स्टील है, ब्रास है, पॉलीमाइड है, पीक है, तो वो हम आगे नेक्स्ट उसमें देखते हैं। लेकिन अगर केज नहीं होगा तो रोलिंग एलिमेंट्स आपस में टच करते हुए फ्रिक्शन जनरेट करेंगे इतने हाई आरपीएम पे। आप इमेजिन करें कि अगर आपके पास यहाँ पे 1000 आरपीएम पे मोटर चल रही है, 10 उसके रोलिंग एलिमेंट है एक बेयरिंग के अंदर, एक मिनट में कितने चक्कर हुए, 1000। ठीक है, 1000 एक चक्कर पूरा करने के लिए एक रोलिंग एलिमेंट को कितने दफा रोटेट करना पड़ता है, लेट सपोज 10 दफा रोटेट करता है तो बेयरिंग का एक चक्कर पूरा होता है। तो 1000 × 10 कितना हुआ, 10,000 दफा एक रोलिंग एलिमेंट एक मिनट में रोटेट कर रहा है। इतनी फ्रिक्शन पे जब दो रोलिंग एलिमेंट आपस में टच करके रोटेट करने की कोशिश करेंगे तो कितना ज्यादा फ्रिक्शन और हीट जनरेट होगी, वो हीट उनको यहाँ पे कोल्ड वेल्डिंग कर देगी, कोल्ड वेल्ड, एकदम सडन टेम्परेचर राइज और वेल्ड, और फिर साथ ही ब्रेक होंगे, फिर वेल्ड, फिर ब्रेक होंगे। तो जिस वजह से एक रोलिंग एलिमेंट के कुछ पार्टिकल दूसरा ले जाएगा, अगली दफा पहला दूसरे का ले जाएगा, इस तरह से वो पिटिंग जिसको हम कहते हैं ना, मटेरियल जो रेसवे से भी अक्सर आप देखते हैं खड्डे बने हुए हैं, वो पिटिंग स्टार्ट हो जाएगी, वो पिटिंग पे बेयरिंग के अंदर प्रॉब्लम क्रिएट करेगी और उसको डैमेज करने का बायस बनेगी। प्रिवेंट इमीडिएट कॉन्टेक्ट बिटवीन रोलिंग एलिमेंट्स टू मिनिमाइज फ्रिक्शन एंड हीट जनरेशन, ये उसका सबसे पहला फंक्शन है। दूसरा, गाइड द रोलिंग एलिमेंट्स, प्रोवाइड स्पेस फॉर लुब्रिकेंट, बिल्कुल ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जी लुब्रिकेंट। यहाँ पे आप कहते हैं कि वो जो सेपरेशन वाला कॉन्सेप्ट है विद इन द केज, उसमें ये लुब्रिकेंट वाला बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। फिर रिटेन द रोलिंग एलिमेंट्स व्हेन बेयरिंग्स ऑफ सेपरेबल डिजाइन आर माउंटेड और डिसमाउंटेड, रिटेन द रिटेनर का काम करता है उस वक्त जब दो बेयरिंग्स ऐसा बेयरिंग हो जिसमें इनर रिंग आउटर रिंग अलग अलग हो जाए। और किस किस बेयरिंग में पॉसिबल है, सेल्फ अलाइनिंग बॉल बेयरिंग में पॉसिबल है, जिसमें क्या हो जाए, जिसमें इनर रिंग और आउटर रिंग अलग अलग हो जाए, सिलेंड्रिकल रोलर बेयरिंग में पॉसिबल है, सिलेंड्रिकल नहीं टेपर्ड एन और एन यू बेयरिंग जो है, यू बेयरिंग बिल्कुल उसमें पॉसिबल है, बिल्कुल उसमें है। और उसके अलावा अगर हम बात करें तो टेपर रोलर बेयरिंग में पॉसिबल है, दोनों रिंग्स अलग हो जाएं, बिल्कुल है। स्फेरिकल रोलर थ्रस्ट बेयरिंग में पॉसिबल है, बिल्कुल है वो निकल आता है, बिल्कुल। और थ्रस्ट बॉल बेयरिंग, थ्रस्ट रोलर बेयरिंग, कप एंड कोन होता है, जी कप एंड कोन है बिल्कुल। तो जहां जहां पे भी दो रिंग सेपरेट हो सकती हैं और उसका केज वहां रिटेनर का काम करता है कि बॉल्स को रोलिंग एलिमेंट्स को गिरने नहीं देता, ये इसके मेन फंक्शन है। जी नेक्स्ट, अब ये बातें जितनी है ना ये आपको काम आएंगी जब आपको कंपनी कहे अगर कि यार ये एक मशीन है हमारे पास बाहर से इम्पोर्ट की थी,
आपने इस जैसी एक यहाँ और बनाए, लेकिन उसकी कैपेसिटी ज़्यादा होनी चाहिए। अगर तो सेम है तो आप कॉपी पेस्ट कर लेंगे, रेप्लिकेट कर लेंगे। अगर ये कहा जाए कि उसकी कैपेसिटी इससे 20% ज़्यादा हो, फिर आपको कैलकुलेशंस में जाना पड़ेगा कि हम कौन सा केज यूज़ करें, माउंटिंग के लिए कौन सी मेथडोलॉजी होनी चाहिए, स्लीव पे हो, डायरेक्ट शाफ्ट पे हो, टेपर होना चाहिए, हाउसिंग कौन सी होनी चाहिए, आरपीएम के हिसाब से शाफ्ट का साइज़ क्या होगा, लोड कैरिंग कैपेसिटी शाफ्ट की क्या होगी। उस वक्त ये सारी मालूमात आपके काम आएंगी, क्योंकि अब आप ओईएम के तौर पे देख रहे हैं, मशीन मैन्युफैक्चरर के तौर पे उस चीज़ को देख रहे हैं, जिसमें आपके पास लिमिटेशंस क्या होती हैं कि आपको उन सॉफ्टवेयर्स तक एक्सेस नहीं होती जिन पे ये डिज़ाइन किया जाता है, डिज़ाइन सॉफ्टवेयर्स। तो मिनिमम पॉसिबल जो आपके पास स्ट्रेंथ है उसकी बुनियाद पर आप डिज़ाइन वेरिएशन इस्तेमाल करते हुए ये कर सकें, या जब OEM के बनाई हुई किसी मशीन में प्रॉब्लम आए तो उसका जब रूट कॉज एनालिसिस कर रहे हों तो ये मालूमात आपको हेल्प करेंगी कि गलती कहाँ पे हुई है। वहाँ पे भी हो सकती है गलती कि एक OEM ने मोटर बना के भेजी है और उस मोटर के अंदर उन्होंने जब माउंट किया सिलेंडर रोलर बेरिंग तो गाइड स्लीव यूज़ नहीं की। तो जब ये मालूमात होगी हमारे पास तो हम उसको पिक कर लेंगे कि गलती कहाँ पे हुई है। अब आपने ना माउंट किया ना आपने उसको असेंबल किया है, मशीन आ गई, आपने चलाई, एक महीने बाद बेरिंग फेल हो गया, अब आप कर रहे हैं उसकी इंस्पेक्शन और एनालिसिस। अब आपने अपनी कंडीशन मॉनिटरिंग की रिपोर्ट भी सामने रखी हुई है और मशीन भी खुली हुई सामने पड़ी है, बेरिंग उतर के सामने आया और उसके ऊपर निक्स है कॉर्नर पे, जो आप अगर अपनी ऑब्जर्वेशन सही ना होने की वजह से इग्नोर कर गए, जिंदगी भर उसका फेलियर एनालिसिस नहीं हो सकता। और अगर आपने पिक कर लिया उसको माइन्यूट इम्प्रेशन जो आगे फोटो में दिखाएंगे भी, तो क्या होगा कि आप उसको आइडेंटिफाई कर लेंगे और आप उसको OEM को कह सकते हैं कि आपने इस मशीन की जब माउंटिंग की थी बेरिंग की तो आपने ये गलती की थी, मिस हैंडलिंग ड्यूरिंग माउंटिंग, रूट कॉज पे पहुंच जाएंगे इधर उधर जाने की बजाय। तो इसलिए ये इम्पॉर्टेंट है केज मटेरियल जो है ना उसमें केज वेरियंट्स क्या क्या हैं। पॉलीमाइड, स्टील और ब्रास नेक्स्ट करें। पॉलीमाइड केज में लाइट वेट होता है, हाई इलास्टिसिटी होती है, गुड स्लाइडिंग प्रॉपर्टीज़ हैं, मार्जिनल लुब्रिकेशन प्रॉपर्टीज़ हैं और टेम्परेचर -40 से 120 तक है, 120 डिग्री तक। अगर 120 लिमिट है हम इसको कितने टेम्परेचर पे चला सकते हैं मैक्सिमम? 80-90। अच्छा नेक्स्ट कितने आप बताएं? 100 तक, क्योंकि बेरिंग ये वाला पॉलीमाइड की जो है जी 90 तक ही सर। ये जो बेरिंग है टेपर रोलर बेरिंग है, इसको एक मोटर में लगाया गया है, मोटर में लगाने से क्या किया हमने कि इसमें जब लगाया है तो सेम बेरिंग है, सेम लोड है, सेम आरपीएम है, लेकिन हमने दोनों बेरिंग में ग्रीस नहीं डाली, ऑयल नहीं डाला। लेकिन फ़र्क क्या है दोनों बेरिंग में? केज का फ़र्क है, एक में स्टील केज है, एक में पॉलीमर केज है। कितना हो गया जी? 368 और दूसरी तरफ 126 पे पॉलीमर केज को कोई मसला तो नहीं है, ठीक चल रहा है? 370 पे स्टील केज ठीक चल रहा है? 22 मिनट हो गए हैं। स्टील केज को देखें क्या हुआ, वो 400 क्रॉस कर गया है और पॉलीमाइड केज जो है अभी 148 पे है टेम्परेचर रेंज। 148 यानी 150 पे सही चल रहा है पॉलीमाइड, आप कह रहे हैं 80-90 तक चलाएं,
30 मिनट्स। अब आप पॉलीमाइड केज को जरा गौर से देखें। बगैर लुब्रिकेशन के ये क्या हुआ? ये जी केज कहाँ गया? केज निकल गया। बेरिंग आपका इस तरह सीज क्यों नहीं हुआ जैसे ये ब्लॉक हो गया? क्योंकि वो स्टील था, ये पॉली। हाँ, मटेरियल का फर्क है। सो टेम्परेचर कितना था अभी इसका लास्ट? 198 पे जाके ब्रेक हुआ है। हमने लिमिट कहाँ रखी है? 120। नॉर्मली इंडस्ट्री में क्या होता है, हमारे पास दो बेयरिंग रखे हुए, हम कहते हैं यार स्टील लगा लो ज़्यादा अच्छा चलेगा, जबकि स्टील की अगर वहाँ ज़रूरत नहीं है। इसलिए डिज़ाइनर्स का बैकग्राउंड जो है वो ज़्यादा वैलिड होता है कि क्यों उन्होंने कौन सा केज इस्तेमाल किया, मशीन के लोड के हिसाब से, मशीन की RPM के हिसाब से, मशीन की ऑपरेशनल कंडीशंस के हिसाब से, और उसके लुब्रिकेंट के अकॉर्डिंगली। अब 281 पे वो बेरिंग सही चल रहा है। सही तो खैर नहीं चल रहा, लेकिन चल रहा है, लेकिन चल रहा है। अब बगैर केज के चल रहा है। सर तो विदाउट केज इसका टेम्परेचर और जल्दी बढ़ना चाहिए फिर। हाँ, लेकिन रुक गया वो। देखिए उसके कॉर्नर्स पे ब्लैक आपको मटेरियल नज़र आ रहा है जी। वो मटेरियल इस बात की गारंटी है कि मेल्ट होके प्लास्टिक का मटेरियल लुब्रिकेट कर रहा है। नहीं, रोलिंग एलिमेंट जो है उसका टेम्परेचर थोड़ा जल्दी बढ़ना चाहिए। वो कोल्ड वेल्डिंग की वजह से ना आप कह रहे हैं बढ़ रहा है टेम्परेचर, कंटिन्यूसली बढ़ रहा है, और रोलिंग एलिमेंट्स डैमेज हो रहे हैं और बहुत जल्दी डैमेज हो जाएगा बेरिंग। ये तो देखना, एक घंटे की हम बात कर रहे हैं, तो अगर ये एक हफ्ता चलेगा तो चल ही नहीं ना सकता। ये अब 300 पे पहुंच गया, टेम्परेचर तो राइज कर रहा है, बट वो लुब्रिकेंट ने, रोलिंग केज के मटेरियल ने एज ए लुब्रिकेंट काम करना शुरू कर दिया है, तो उसको थोड़ा रोका है, टेम्परेचर राइज को स्लो किया है। स्टील में ऐसा नहीं हुआ, स्टील के अंदर कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो ये अमल कर सके। एक घंटा 12 मिनट में 300+। जी अब बताएं वो के ये बीच में से रोलिंग एलिमेंट किधर गए? मेल्ट हो गए? नहीं, इकट्ठे हो गए। केज का जो केज ने रिटेन करने के लिए जो डिस्टेंस लिया हुआ था, वो डिस्टेंस केज निकलने से वो डिस्टेंस आ गया। सारे रोलिंग एलिमेंट्स अपनी जगह पे हैं, लेकिन वो केज ना होने की वजह से और वो इकट्ठे होने की वजह से एक जगह पे गैप आ गया। तो एक घंटा 14 मिनट में या 12 मिनट पे बंद हो गया था, नॉट ब्लॉक्ड, उस तरह सीज नहीं हुआ, शाफ्ट नहीं तोड़ी, कपलिंग को नुकसान नहीं पहुंचाया, इंपेलर को नुकसान नहीं पहुंचाया, आहिस्ता से रुक गया। देखें क्लोजअप, देखें उसका, आप देखें 400 डिग्री सेंटीग्रेड पे एक्सपेंड नहीं किया होगा ये, बहुत ज़्यादा एक्सपेंशन हो गई, थर्मल एक्सपेंशन। अब इसने कहते हैं ना चक मार लिया थर्मल एक्सपेंशन की वजह से। अब इसको खोल के दिखाएं, नहीं उतरेगा, शाफ्ट पे भी हाउसिंग पे भी काटना पड़ेगा, क्योंकि आप एक्सट्रीम लेवल पे चले गए ना, फेलियर रोका नहीं, प्रिडिक्ट नहीं हुआ, अलार्म नहीं बजे, जो उसको क्या कहते हैं, ट्रिप नहीं हुआ, चलता रहा। हमने तो एक्सपेरिमेंट के लिए किया ना, लेकिन ऐसा हो जाता है अक्सर एप्लीकेशन में कि वो थर्मल एक्सपेंशन तक बात चली जाए, क्रैकिंग तक बात चली जाए, सीवियर किस्म का फेलियर हो जाए। अब आप इसका एनालिसिस करें तो आपने ये फाइंड आउट करना हो कि क्या इसमें ग्रीस थी या नहीं थी, कैसे करेंगे, इसकी क्या वजह है फेल होने की।
नो लुब्रिकेशन। तो नो लुब्रिकेशन के सिम्टम्स इसमें नजर आने चाहिए। कैसे आएंगे? पहले वियर से स्टार्ट करेंगे। अब वियर एक्सपैंड करते करते बहुत वर्स कंडीशन पे चली गई है। फिर इसका आप पूछेंगे टाइम कितना था, कहेंगे 1 घंटे 12 मिनट। तो आपका तो इंडिकेशंस आएंगी ना। डायरेक्ट बेयरिंग को देख के आप ये क्लेम नहीं कर सकते कि अच्छा ये तो लुब्रिकेशन फेलियर है, ये तो वियर फेलियर है, ये तो फटीक फेलियर है, ये तो करंट लीकेज है। आपको पूरा उसका बैकग्राउंड चाहिए। आप पूछें कब लगाया था, कैसे लगाया था, कौन सा लुब्रिकेंट डाला डाला। ये सवाल में आना चाहिए ना, कितनी क्वांटिटी में डाला था। तो वो कह नहीं डाला तो बात खत्म हो गई। इसका फेलियर एनालिसिस टेक्निकल ग्राउंड पे देखें, या तो हमें फंसाना हो किसी ने कि चेक करें इनको कितना पता है, तो हमें बेरिंग दे दे बोले कोई मालूमात नहीं बताया, वो तो फिर जादू होगा ना। तो सिस्टम है ना, इसमें हमें मालूमात चाहिए, डेटा चाहिए, ऑब्जर्वेशंस होंगी फिर हमारी, फिर डिस्कशन होंगी एंड यूजर से, फिर जाके आप कंक्लूड करेंगे बेस्ड ऑन विजुअल इंस्पेक्शन। तो अगर आप एज एंड यूजर हमारे साथ कॉपरेट नहीं करते, हम आपके फैक्ट्री आए, हमें आप कह रहे हैं बेरिंग फेलियर एनालिसिस कर दें, डेटा नहीं दे रहे, हम कैसे करेंगे? हम कहते हैं कंडीशन मॉनिटरिंग की रिपोर्ट दिखाएं, आप कह रहे हैं नहीं हम नहीं देंगे, हम कैसे करेंगे? हमें प्रॉब्लम होगी ना। फिर हम फिर सिर्फ और सिर्फ अपनी विजुअल इंस्पेक्शन पे जा रहे हैं विद नो बैकग्राउंड, नो इनपुट फ्रॉम योर साइड। तो अक्सर कंपनीज में ऐसा होता है, ये नहीं करना, आपने नहीं करना, और आपके साथ भी कोई ना करे। आपकी तरफ से जब इनपुट आती है ना, तो हमारे लिए चीज़ें क्विक हो जाती हैं, हम आपको सही डायरेक्शन में गाइड कर सकते हैं।